संकटतारं शोकविमोचनं गुरु तुम्हि पापों के शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवा सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। समर्थ सर्वकर्मणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया में से आज 9 दिसंबर 2013 को जिला के प्रेमी भाई बहनों का सत्संग के माध्यम से, बच्चे और बच्चियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे कपड़े की धुलाई के लिए, शरीर की सफाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही अंतरात्मा की सफाई के लिए, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण को साफ रखने के लिए, सच्चे ऊंचे विचार लोगों का रखने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग जब लोगों को मिलता है तब लोगों को हर चीज की जानकारी होती है। कथा भागवत से, प्रवचन से, आत्मा परमात्मा का भेद नहीं मालूम हो पाता। कथा में देखो, सत्यनारायण की कथा लोग सुनते हैं, वही कन्या कलावती और साधु बनिया की कहानी विद्वान लोग सत्य का सुनाते हैं। प्रवचन में भी दूसरे की बातों को सुना प्रवचन और दूसरे की बातों को अपने तौर तरीके से पेश किया तो वो प्रवचन लोगों को मालूम पड़ता है, लोग उसको प्रवचन कहते हैं। और यह है कि जो जिस तरह का प्रेमी होता है उसको वो तरह की चीज उसमें मिलती है। लेकिन आत्मा परमात्मा क्या है, मनुष्य किस काम के लिए मिला, इन सब चीजों की जानकारी सत्संग से ही होती है। सत्संग जब लोगों को मिलता था लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य धर्म का पालन करते थे। कहा गया धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण कहा। सत्य इतना बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं माना गया है। कहे सांस बराबर तप नहीं और झूठ बराबर था, सांस को तप बताया गया। अब आप उस बात को सुन कि सत्संग का जब से अभाव हुआ है तब से झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है बोलना, झूठ चलाना। कोई कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं, कल कहाँ जाना है, कहीं नहीं, झूठ का बोल वाला हो गया। वादा खिलाफी 10 मिनट पर आदमी जबान बदल दे रहा है। पहले था कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता। मूंछ का एक बार निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा। लोग जीवों पर दया करते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करे रघुवीरा। कहते दया अगर अंदर में रखोगे तो वो दया करता रहेगा, वो रहमान रहम करता रहेगा। इसलिए जीवों पर दया करो। लेकिन लोग मार मार करके, अब सत्संग के अभाव में लोगों को मार मार करके, जानवरों को काट करके पेड़ को कब्रिस्तान बना रहे। और ये लोगों को नहीं मालूम है, प्रवचन से और कथा से ये चीज नहीं मालूम हो पाती कि जिनको हम मारते हैं, काटते हैं, वही लोग हमको भी आखिरी वक्त पर अनी सजा देने के लिए मिलेंगे। गाय की सींग एक आदमी गाय को मार दिया, गाय को मार दिया और जब मरने का वक्त आया तब चिल्लाने लगा कि देखो गाय मार रही है, देखो ये सींग मार रही है, देखो ये सींग मार रही है। अब लोग कहें कि कहाँ सींग मार रही है, कहाँ गाय है, उसी को कोई दिखाई न पड़े, लेकिन वो रो रो चिल्लाए। जिन जानवरों को मार करके काट करके लोग खा जाते हैं, जब यमराज को दूर पकड़ करके ले जाते हैं हिसाब कराने के लिए, तो वही जानवर मार करके, वही जानवर पंजा मार देते, दांत से नोच लेते। तो इस चीज की जानकारी प्रवचन से, कथा से नहीं हो पाती, सत्संग से जानकारी इस बात की होती है। तो दया जब सत्संग मिलता था तो दया भाव लोगों में था। आप उस बात को समझो कि सेवा भाव भी था, सेवा को लोग करते थे। गांव में किसी के यहाँ कोई गमी या खुशी हो तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर उसकी मदद करते थे। पहले बिजली की चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, तो हाथ की चक्की चला करके या माताएं आटा पीस करके जिसके यहाँ लड़की की शादी होती ले जा करके देती थी। घी, मट्ठा, छाछ सब इकट्ठा करती गई और कहती गई इकट्ठा करो, उनके यहाँ शादी है, उनको वहाँ देना है। अपने अपने दरवाजे को लीप पोत करके, घरों को साफ करके लोग रखते थे कि मेहमान उनके यहाँ आएंगे, अगर ज्यादा हो गए, उनके यहाँ रहने की जगह नहीं रहेगी तो हम अपने यहाँ रखेंगे दूसरे के मेहमान को। और दूसरे का मेहमान वो भी लोग अपने यहाँ घरों में अतिथि देवो भव, यानी देवता अतिथि को, मेहमान को जो देवता बताया गया उस तरह से देवता की तरह से रख करके सेवा करते थे। खुश होकर के आदमी जाता था, गुणगान करता था। अब आप उस बात को समझो कि सेवा भाव लोगों के अंदर से सत्संग के भाव से खत्म हो गया। अब तो परोपकार की बात छोड़ो, लोग कहते खाने को नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे, खाने नहीं देंगे। तो सत्संग न मिलने की वजह से ऐसा। जब सत्संग मिलता तब इस चीज की जानकारी होती है ये दुनिया, ये संसार और ये दुनिया की चीजें ये अपनी नहीं, इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं ये सब एक दिन छूट जाएंगे। जितने भी लोग इस मनुष्य शरीर में इस दुनिया संसार में आए सबको छोड़ करके चला जाना पड़ा, चाहे वो राम जैसे भगवान रहे, कृष्ण जैसे भगवान रहे, कबीर गोस्वामी परंतु मानव दादू मीरा जैसे संत रहे, चाहे वो अन्य जिला को जीतने वाले जिला जीत रहे हों, हिंदुस्तान को जीतने वाले विजय हिंद रहे हों, पूरी दुनिया को जीतने वाले विश्व जीत रहे हों, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा। सिकंदर बादशाह जब इधर हिंदुस्तान की तरफ से वापस यानी फारस की खाड़ी की तरफ जा रहा था तो रेगिस्तान में उसकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई और उस्मान हकीम ने ऐसा नारी पकड़ा तब सिकंदर बादशाह ने कहा मुझको बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन। फिर बोला एक बार मेरी माँ से मुझे मिलवा दो, मैं रोटी मांग करके खा लूं, पूरा राज्य आपको दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा लुकमान हकीम ने कहा कि नामुमकिन। तब सिकंदर बादशाह बोला जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर, जब बड़ा हुआ पैर के अंगूठे को मुंह में डाला तो दुनिया की जानकारी हुई, और बड़ा हुआ पढ़ा लिखा अपने बल बुद्धि से पूरी दुनिया को जीता, धन दौलत को अपनी मुट्ठी में रखा, लेकिन अब सब छोड़ करके जा रहा। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले तो दुनिया वालों से कहना कि ये वो सिकंदर बादशाह विश्व जीत जा रहा है जिसने दुनिया पर थके आदमी की और दुनिया की दौलत को अपनी मुट्ठी में रखा, अब हाथ फैला करके खाली हाथ जा रहा है। तो तुम लोग इससे नसीहत लो, इससे शिक्षा लो कि तुमको भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है, और जब सत्संग नहीं मिलता है तो आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा रहता है। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि दो रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को। और इस वक्त पर तो किसी का शरीर का कोई ठिकाना ही नहीं, पहले था समय पर ही शरीर लोग छोड़ते थे। आप इस बात को समझो कि अल्पमृत्यु न कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बेरू शरीरा। अल्पमृत्यु होती ही नहीं, समय पूरा करने के बाद लोग मरते थे। और अगर बीच में कोई मर गया, लड़का मर गया तो बाप से हिसाब होता था कि तुमने कोई अत्याचार अन्याय किया होगा, तो जैसे यानी बाप बैठा है और लड़का खत्म हो गया। लेकिन इस वक्त पर आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस अपने घर में आ जाएगा। लेकिन सत्संग न मिलने की वजह से आदमी यही सोच रहा है कि हमारे पास धन रहेगा, हमारे पास खेती रहेगी, हमारा मकान रहेगा तो हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमारी मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ेगी। देखो लोग जब घर बनाने लगते हैं तो 10-10, 12-12 साल तक बनाते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया सामान सरिया सीमेंट गिट्टी मोरम बालू सब लाते हैं और बढ़िया कारीगर लाते हैं और कहते हैं अच्छा बनवाएंगे। लोगों से कहते हमारा मकान बन रहा है, हमारा घर बन रहा है, चलो जरा सा देख लो। अब लोग आते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत बढ़िया सामान लाए, खिड़की दरवाजा भी तुमने बहुत बढ़िया लगवाया। कोई इंजीनियर आदमी मिला तो उसने बता दिया इसको तोड़ करके और ऐसे दीवार मिला दो तो थोड़ी जगह और निकल आएगी, ये तुम बाथरूम थोड़ा और सोना कर दो, ये थोड़ा इधर से हटा दो तो और जगह निकल आएगी, ये सब लोग देखते हैं। कहते ये छज्जा इस तरह से लगाओगे ज्यादा मजबूती रहेगी, ऐसा ना लाओ ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और वाटर कभी खराब नहीं होगा। और देखने वाले आते हैं तो सब बताते हैं, बढ़िया से बढ़िया सामान लगवाता है, बढ़िया लेट्रिन बाथरूम किचन सब बना दिया, मोटा गद्दा डाला, ये आराम से सोएंगे, इस पर आराम मिलेगा बुढ़ापे में। बढ़िया ड्राइंग रूम बनाया, सोफा सेट वगैरह छांट करके लाए, खोज करके बढ़िया चीज ड्राइंग रूम में रहे, लोग आओ देखें तो कहेंगे, तारीफ करेंगे, देखो कितनी बढ़िया चीज लाया, कितना बढ़िया सजाया, झाड़ फनूस लगा दिया, फर्श पर गद्दे बिछा दिया, कितना बढ़िया सब इंतजाम किया, बहुत बढ़िया रहा। और जब मकान बन करके तैयार हो गया तो चिट्ठी लिख करके भेजे, निमंत्रण कार्ड कि मेरा मकान बन गया, आप लोग आइए, गृह प्रवेश होगा। आप गृह प्रवेश में लोग आए, पूरी मिठाई कचौड़ी खाए और खा करके जब चले गए तब उसमें रहना शुरू कर दिया। जैसे 15-20 दिन रहा, बस इस सांसों की पूंजी का खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि हर आदमी को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए दी। जैसे ये खर्च हो गया, बैठे 12 चले 18, सोए से 36 और रत क्रिया से दूरी हो गई, कह गए कब जगदीश, बैठे रहोगे एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च होगी और भोग में बिताओगे तो यही सांसों की पूंजी 72 बार खर्च हो जाती है। अब उसी तरह से उसकी उम्र होती है, जो जैसे सांस को अपने बचाता है ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, जो ज्यादा सांसों को खर्च कर देता है उसको जल्दी जाना पड़ता है, लेकिन जाना सबको पड़ा। अब सांसों की पूंजी जैसे खत्म होने का समय आता है उसके आसार नजर आने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगता है। इस समय पर सूरज को देखोगे, ऐसे थोड़ी देर देख लो तो सूरज की जो किरणें हैं तेज रोशनी है, आपके आंखों की रोशनी को खत्म कर देती है, खींच लेती है। जैसे कोई चुंबक, तेज चुंबक हो तो वो छोटे छोटे चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ये आंखों की रोशनी सूरज खींच लेता है। और जब उधर से देखने के बाद इधर देखते हो तो कहते हो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और हम तो अंधे हो गए, थोड़ी देर तो कुछ नहीं दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं। लेकिन यही सूरज जब ढलने लगता है उस वक्त पर ऐसे देर तक देखते हो तो रोशनी उसकी कम हो जाती है, तब कहते हो सूरज अब डूबेगा, अब दिन ये ढल रहा है सूरज डूब जाएगा। ऐसे ही जब शरीर छोड़ने का समय होता है तो उसके आसार नजर आने लगते हैं। मरने वाले हर आदमी के पास आखिरी वक्त पर डॉक्टर देख करके तो इसको बताते नहीं कि अब ये मरने जा रहा है या मर गया, गांव के ही अनपढ़ लोग भी पैर पकड़ के ही ऐसे समझ जाते हैं कि पैर ठंडा हो गया, अब तो भाई बड़ा मुश्किल दिख रहा है। हाथ पर जैसे हाथ रखते हैं कहते अरे हाथ पैर तो इनके ठंडे हो गए, जल्दी से करो जल्दी से बाहर निकालो। बस वही घर के लोग काम करके उसी मकान से जिसमें सोचा था हमको आराम मिलेगा निकाल करके बाहर ले जाते हैं और उत्तर सिराना करके लेटा देते हैं, सोचते हैं जल्दी से छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त पर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी छटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, काम से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है। यानी जब आखिरी वक्त आता है और आदमी अपने इस शरीर के लिए दुनिया के लिए ही करने में लगा रहता है, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करता, तो यमराज के दूतों को आकर के इसको खाली कराना पड़ता है। और उस वक्त पर बिल्कुल खून पानी हो जाता है, यमराज के दूतों को देखते ये जीव इतना डर जाता है कि जैसे भेड़िया डर करके बकरा के पीछे, बकरा जैसे डर करके भेड़िया के पीछे चल देता है। गांव में भेड़िया रहता, भेड़िया इतना बड़ा होता है जानवर और बकरा इतना ऊंचा है, और जब वो लाश को आता है गांव में तो बकरा के कान में धीरे से ऐसे मार देता है, ये नहीं मारता, हल्का से मारता है, लेकिन उसको ये मालूम रहता है कि कान में किस जगह मारेंगे तो ये डर जाएगा, बस उसी जगह ऐसे मार देता है और बकरा कांप जाता है और डर के मारे भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है। न भेड़िया कुछ बोलता है न और कोई हरकत करता है, बस जिधर से आता है उसी तरह भेड़िया चल देता है और बकरा डर के मारे उसके पीछे पीछे चला जाता है। गांव के बाहर जब गांव के बाहर पहुंच जाता है भेड़िया तो घूम करके बकरा के पीठ के ऊपर बैठ जाता है और गर्दन में नस होती है, बस दांत से नस को दबा देता है और जैसे दबाता है तो बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसका गर्दन काट करके खून पीता है। तो जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर जाता है ऐसे ये जीवात्मा डर जाती है और उस वक्त पर हड्डी हड्डी जब चटकती है और रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है तो लोग समझते हैं कि मोह लगी है, ये देखने के लिए बुला रहे हैं। बुला बुला करके लोगों को खड़ा करते हैं, जब चिल्लाता है अपने जवान पोते को याद करता है, नाम पुकारता है तो वो आकर के खड़ा रहता है, कहता दादाजी मैं यहाँ पर हूँ, बाबा देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन उसको उस वक्त का मोह नहीं रहता। वो यमराज के दूत जब हथौड़ी और मुद्दर से मारते हैं और वो दिखाते हैं मशाल तो इसलिए रोता है। देखो टैक्सी और पेशाब का मरते समय अन्य लोगों को हो जाता है। साधु भाई ने लिखा कि शहदो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो दंत मारे अफसार, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ बदन में दंत मारे दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द मौत के समय होता है। तो जब लोग छटपट करके देखते हैं सब सोचते हैं कि जल्दी से इनके प्राण निकल जाते, ये दर्द खत्म हो जाता, क्योंकि मालूम तो हो जाता है कि अब ऐसी स्थिति जब आई जैसे सूरज की रोशनी एकदम कम हुई और सूरज ऊपर से नीचे ऐसे बिल्कुल बादलों के नजदीक पहुंचता है, तब ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि अब ये डूबेगा ही डूबेगा, ये बिल्कुल डूबे। जैसे भूरा बादल जब नीचे से उठा और ऊपर ऐसे यहाँ पहुंचा तब लोगों को ये मालूम ही हो जाता है कि ये बरसेगा ही बरसेगा। यह काला बादल जीरा लावे, भूरा बादल पानी लावे, यह काला बादल नहीं है, भूरा बादल है, ये बरसेगा। ऐसे लोगों को मालूम हो जाता है कि अब ये बचेगा नहीं। तब वैज्ञानिकों ने शोध किया। देखो डॉक्टर और वैज्ञानिक भी आखिरी वक्त पर यानी वो उस मालिक के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। कहते हैं भैया अब ले जाओ इनके सेवा करो, अब ले जाओ इनको राम राम कहो, भगवान का नाम लो। वो भी निराश हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि अब ये बचेगा नहीं। ऐसे समय पर लोगों ने शोध किया कि जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, उसके लिए कहा कि उत्तर से करके ले जाओ तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि सेल होते हैं, सेल जानते हो, रात जलाते हो तो उसमें सेल पड़ता है और सेल कमजोर हो जाता है तो रोशनी कम हो जाती है और सेल खत्म हो जाता है तो रोशनी बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसे शरीर में सेल होते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तर दिशा में सिर करके लेटने में ये सेल डाउन हो जाते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तर शिराम करके मत लेटो। पूछा गया क्यों तो कहते हैं आयु कम हो जाती है। वो ये बतलाते हैं उसका यही कारण है कि सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और जब सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो शरीर का यह जो फंक्शन है ये काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता। बस ले गए उत्तर, मकान से बाहर उत्तर दिशा में सिर करके लटाए, बस थोड़ी देर के बाद गर्दन ऐसे लटकती और जैसे गर्दन लटकी बस तैसे रोना धोना शुरू। अपने अपने तौर तरीके से लोगों ने रोना शुरू किया। कहा पेट पकड़ कर माता रोवे और बांह पकड़ कर भाई और पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रोए रो कहे लुगाई, संयम मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के। तो अब रोना धोना जैसे शुरू हुआ पड़ोस के लोग भी आ गए। किसी ने कहा भाई देखो जरा तुम जानकार हो देखो, और उन्होंने नब्ज जब पकड़ा तो कोई और आया जानकार, उसने ऐसे पलकों को आगे पीछे किया और आंख को देखा तो कहा कुछ, वो भी चला गया। पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हुए, गांव के लोग आने लग गए, लोग समझाना शुरू किए, अरे भाई अब क्या रोने धोने से होगा, अब तो वो चले गए, दुनिया की यही गति है, जो आया सो गया, जो जला वो बुझा, जो फला वो झला, ये इस दुनिया संसार की यही रीति है। अरे भाई तुम क्यों रोते हो, अरे मुन्ना भैया लाला तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे लिए तो सब उन्होंने इंतजाम कर दिया, मकान बना दिया, अरे जमीन जायदाद दे दिया, अरे शादी ब्याह लड़का लड़की छोरा छोरी का कर दिया, आप क्या रहा, आपको तुम कमाओ और खाओ और उनको बोलो, और नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी करो इनके लिए, जल्दी करो ले जाओ, जल्दी से जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगती। इतने आदमी यहाँ बैठे हो, अभी कोई एक आदमी किसी से कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, इस शरीर को कोई मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा कहेगा अंधे कहीं के ये मिट्टी है, ये किसको हम मिट्टी दिखाई पड़ती है। और अगर आपसे कमजोर होगा तो अंदर अंदर कहेगा कहेगा इनके दिमाग में मिट्टी भर गया, इनके दिमाग में गोबर भर गया, मोतिया बिंद हो गया, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, अगर दिन अवधि हो रही है, लोगों को रात में नहीं दिखाई पड़ता है, इनको दिन में नहीं दिखता है, ये मिट्टी इनको दिखाई पड़ रहा है, ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटा तरसते रहते हैं, वो इनको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये मिट्टी है मिट्टी, ये करता हुआ पानी लगता हुआ चला जाता है। लेकिन इस पिंजरे से पंछी के उड़ने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं, मिट्टी। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, लेकिन सब इसको मिट्टी ही कहते हैं, सब मिट्टी कहते हैं। और बस इसको ले जा करके और शमशान घाट पर जला करके राख कर देते हैं। हार जले जो ना करी और पेश जले जो घास, जैसे चट चट करके हड्डी जलती है, जैसे घास जलती है, जैसे चट चट करके यानी चूल्हे में लकड़ी जलती है, ऐसे ये हड्डी जल जाती है, जैसे घास जल जाती है, ऐसे ये पेट जल जाते हैं। बस 2-4 दिन 5 दिन दरवाजे पर आएंगे, लोग बैठे रहेंगे, बातें करेंगे, नसीहत की बातें करेंगे, भाई एक दिन यही हाल सबका होगा, एक दिन यह ऐसा दिन आएगा सबके लिए, ये दुनिया ये संसार की ही रीति है, इसी तरह की बातें करेंगे। कोई गरुड़ पुराण की बात बताएगा, कोई लिंग पुराण की बात बताएगा, कोई सुख सागर की बात, कोई रामायण की चौपाइयाँ पढ़ेगा, बस यही सब करेंगे और 12 ही 13 खा करके लोग चले जाएंगे, फिर कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। अब इतना प्यार से जो मकान बनाया था, उस मकान में कौन रहेगा? लड़के को बढ़िया खिलाया, बढ़िया पहनाया, और जब किताब लेकर के स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए, तब ध्यान रखा कि स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं। जब शाम को लौट करके आया तो पूछा क्या पढ़ाया और क्या यहाँ पढ़ने के लिए बताया, होमवर्क क्या दिया, अपने सामने वो पढ़ाया, होमवर्क करवाया, और अपने साथ भी कुछ समय कर रखे, उठना बैठना बोली बानी तौर तरीका अगर उसको सिखाए तो लड़का लायक निकलता है, और फिर वो उस मकान में रहता है जिस मकान को आदमी छोड़ करके जाता है। लड़के ने जो खाने के लिए मांगा वो खिलाया, और जो पहनने के लिए मांगा वो पहनाया, और जब वो मांगा पैसा देते रहे, पूछते भी नहीं रहे कहाँ तू खर्च करेगा, क्या तेरे को जरूरत है। तो वही लड़का स्कूल जाते समय रास्ते से ही गलत बच्चों के साथ निकल जाता है, स्कूल तक पहुँचता भी नहीं। अब वही लड़का बिगड़ जाता है और वही नालायक हो जाता है, और फिर वो उस मकान को बेच देता है। जो उस मकान में रहने के लिए आता है, तो जिसने मंदिर बनाया था, जिसमें पूजा पाठ करते थे, जिसमें साधन भजन करते थे, जो खरीदता है उस मकान में अंडा फोड़ता है, बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, उसी में शराब पीता है, उसी में जुआ खेलता है, उसी मकान में व्यभिचार करता है। अब वो मकान किसका हुआ? सोचो आपने किसके लिए बनाया? कहते हैं 100 बीघा से कम जमीन रहेगी तो लोग चौधरी साहब नहीं कहेंगे, लोग मुखिया जी नहीं कहेंगे, बोहरे जी मालिक साहब नहीं कहेंगे, इसलिए कम से कम 100 बीघा जमीन तो होनी ही चाहिए बड़ा आदमी बनने के लिए। चाहे मार करके ले आओ, काट करके ले आओ, जेल धोखा करके लाओ, जबरदस्ती लिखा लो, मुकदमा करके जीत लो, ये करना तो होना चाहिए। जमीन 100 बीघा बना लिया और बढ़िया बीज लाए, उसमें डाले, खाद डाले, दवा डाले, पानी खूब लगाया। फसल जब तैयार हुई खेत की तरफ देखने के लिए गए, बोले देखो फसल हमारी लहरा रही है, आपकी बार तो 50 कुंटल कम से कम गेहूँ होगा, 100 कुंटल कम से कम चना होगा और मटर इतना होगा, सरसों इतना हो जाएगा। अब वो जाने लगे देखने के लिए, लोगों से कहने भी लगे कि पिछले साल तो हमको 2 लाख रुपया मटर में मिला, 4 लाख रुपया सरसों में मिला, ये बहसते गए रहे आपकी बात ज्यादा मिलेगा। लेकिन फसल जैसे तैयार हुई और खाने का समय आया, हम बस ये प्राण निकल गए, चलते चलते ऐसे गिरे और उठ नहीं पाए। डॉक्टर आया तो नब्ज पकड़ा तो कहा हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट क्या फेल हो गया, चाय पीते पीते गिरे और फिर खत्म हो गए। नब्ज पकड़ा डॉक्टर ने, नाड़ी पकड़ा तो कहा हार्ट फेल हो गया। और वो चाय की गर्मी से हार्ट फेल हो गया, कुछ नहीं, समय पूरा हो गया। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है, जब सत्संग नहीं मिलता है तब लोग कहते हार्ट फेल हो गया, कोई कहता फालिज मार दिया, कोई कहता है दिल बैठ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है, तब आदमी कहता है समय पूरा हो गया, दुनिया छोड़ करके चले गए। जब जानकारी नहीं होती है तब तो यही लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। चिट्ठी लिख करके भेजते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। हर आदमी देखो स्वर्ग ही भेज रहा है अपने दादा और पिता को, तो सोचो क्या कोई नर्क नहीं जा रहा? सारा पत्ता स्वर्ग जाने का क्या इन्हीं लोगों ने लिखा रखा है? अरे भाई कोई नर्क भी तो जा रहा होगा। तो जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि कर्मों की सजा मिलती है, कर्म प्रधान देश यह है। और कर्म जब खराब होते हैं तब दोबारा कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी हो पाती है, जब साधना करता है आदमी तब इस चीज की जानकारी हो पाती है कि हमारे दादाजी ये देखो कुत्ता बनकर के हमारे ही चारपाई के नीचे बैठे हुए, तब ये चीज की जानकारी हो पाती। अब आप सोचो फसल तैयार हुई तो उसको कौन खाएगा जिसके लिए इतना मेहनत किया? दुकान बनाया और दुकान में माल भर दिया, जब मुनाफा खाने का समय आया समय पूरा हो गया, कौन खाएगा उस मुनाफे को? और लोग खाएंगे। रुपया पैसा जमा करके करोड़ है अरब है मेरे पास, लेकिन वो उनके काम नहीं आता। देखो लूट करके, मार करके, घसोट करके, दिन दुखा करके पैसा इकट्ठा करते हैं और इलाज कराने के बहाने, दवा कराने के बहाने विदेशों में जाते हैं और विदेशी बैंकों में रुपया वहाँ जमा कर जाते हैं। लोगों को बताते भी नहीं है कि इतना रुपया हमने वहाँ जमा किया है। बस किसी ने गोली मार दिया, किसी ने बम फेंक दिया, कहीं एक्सीडेंट में खत्म हो गए, बस वो रुपया वहीं का वहीं रह जाता, न तो देश के काम आता न परिवार वालों के काम आता, वो तो दूसरे देश का दूसरे बैंक का हो जाता है। और सोचो ये काम जो आपने किया किसके लिए किया, अपने लिए किया या दूसरों के लिए किया? ये जो चोरी किया, बेईमानी किया, ये जो दिल दुखाया, उससे किसको लाभ मिला जो लूटे पाते? आपको मिला या दूसरों को मिला? ये जो दुनिया का काम है ये अपना काम कुछ है ही नहीं। यही सबसे बड़ा भूल और भ्रम संसार में है कि जिसको आदमी अपना काम कह रहा है वो अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि अपना काम यह है कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश में फंसना है। यह पराया देश है और इस देश में फंसे हुए हो, और जब से इस मृत्यु लोक में आए तब से अभी तक वापस अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए। जब तक अपने मालिक के पास नहीं पहुंचोगे, अपने घर, अपने वतन में नहीं पहुंचोगे, तब तक बार बार नर्क और चौरासी में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में बंद होना पड़ेगा, माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ेगा, मनुष्य शरीर भी मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेंगे तो पार नहीं हो पाओगे, फिर इसी में गोता खाते रह जाना पड़ेगा। जब अन्य सत्संग मिलता है तब अन्य रास्ता लेकर के आदमी और इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं का दर्शन करता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेता है, और जब समय पूरा होता है, सांसों की पूंजी खत्म होने का समय आता है, तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। वहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद, वहाँ रात होती ही नहीं, वहाँ तो उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राती, न कष्ट चाहिए दिया भुगाती। वहाँ तो दिया शराब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वामी की नगरी परम सुंदर कहा, सुंदर है वो, बिना भूमि एक महल बना है। देखा इन्होंने, उन्होंने लिखा कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत या पारी दे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बताओ सारी दे। कोई कैश बत्ती हाइड्रोजन ट्यूबलाइट नहीं जल रही, लेकिन जर्रे जर्रे में रोशनी है मकान में। मनों और मोतियों से जड़ित कमरे दिखाई पड़ते हैं, वहाँ के पशु और पक्षी भी सुनहरे मनमोहक दिखाई पड़ते हैं। अमृत के तालाब और पोखरे जगह जगह भरे हुए हैं, करोड़ों योजन की बुलंदी रखने वाले पेड़ पौधे देखते हैं, और रूहों के लिए पक्षियाँ चहचहा करती रहती हैं। तो वहाँ की सुंदरता ही न्यारी है, वहाँ का आनंद ही अलग है। तो जब यह जानकारी होती है कि वहाँ अपने घर, अपने वतन वाले के पास इसी मनुष्य मंदिर से जाया जा सकता है, तो वो रास्ता लेकर के इस काम को करता है। तो इस काम को बहुत से लोगों ने किया और गुरु महाराज से हमारे रास्ता लिया। इन्होंने लोगों को रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया भी, और कितने जीवों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं है। आप इस बात को समझो, यह दुखों से भरा हुआ संसार है। यहाँ कोई सुखी है? यहाँ कोई सुखी नहीं। देखा सारा संसार दुखी, जिसके पास नहीं है वो तो देखो रो ही रहा है कि हमारे पास रुपया पैसा होता है तो हम भी बढ़िया खाना खाते, कोठी में रहते, मोटर कार से चलते। लेकिन जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा है उनको जल्दी नींद नहीं आती है। रात को 2 बजे नींद की गोली जब बड़े बड़े सेठ खाते हैं तब उनको नींद आती है। सोचते रुपया कहाँ रखा है, कौन से बैंक में जमा करें, कहाँ जमीन में गाड़ दें, चोर ना ले जाएं, डकैत ना ले जाएं, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले ना ले जाएं। नींद नहीं आती। आपके घर के बगल में कोई गरीब परिवार रहता है अनपढ़, तो जब वो भाई भाई को गाली देता है और लाठी उठाता है मारने के लिए, और दूसरा चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, जब भागता है और ये गाली बकता हुआ जब डंडा लेकर के जाता है मारने के लिए, तब कहते हैं ये गंवार है, ये अनपढ़ है। देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, इनको कुछ नहीं पता कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण चले गए थे, इनको कुछ नहीं पता है। बड़े घरों में जो जानते हैं लोग, रामायण गीता पढ़ते हैं, बड़े घरों में पढ़े लिखे लोगों में ये टेंशन कैसे नहीं होगा। वो बड़े आराम से रहते होंगे, एक दूसरे का इज्जत सम्मान करते होंगे। लेकिन जब भाई ने यानी अपने हाथ से ही रिवाल्वर से अपने ही कनपटी में गोली मारा, और दूसरे दिन पेपर में निकला कि ये तो टेस्ट बहुत दिनों से चला आ रहा था आपस में भाइयों का, और उसने अपना सुसाइड नोट में लिखा, कहा कि भाई की वजह से गोली मारा हूँ, सब पता चलता है कि बड़े आदमियों के भाइयों में कमरे के अंदर ही झगड़ा होता है, उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है, लेकिन घर घर में झगड़ा झंझट भाइयों में होता है। जब पड़ोस की अनपढ़ औरत, सास और बहू एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब कहते हो अनपढ़ हैं ये, कवार हैं। देखो कितनी भद्दी भद्दी गाली सास और बहू एक दूसरे को दे रही हैं। बड़े घरों में पढ़ी लिखी सास और बहू में कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। लेकिन इस बात को समझो कि जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू हैं, वो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती है। जो जमाना बदल गया, दिखावटीपन ज्यादा हो गया। पहले ये चीजें नहीं थी, मोटा खाना था, इतनी बीमारी नहीं थी, नंगे पैर जब लोग चलते थे, 2-2 हजार 4-4 हजार पैर का जूता जोड़ा जब नहीं पहनते थे, तो ये को प्रेशर शरीर में होता था में, और लोग स्वस्थ रहते थे। मोटा खाना जब खाते थे तो इतने अस्पताल नहीं थे, इतने वैद्य नहीं थे, इतने हकीम नहीं थे। आप इस बात को समझो कि जब खद्दर और ये सब जो कपड़ा पहनते थे काढ़ा, तो ये चमड़े की बीमारी नहीं होती थी। जब से ये टेडिकॉट पॉलिस्टर चला जिसमें हवा नहीं पास होता है, तब से देखो शरीर रोगी हो गया आदमी का। गरीब से गरीब घर की औरतों के पहले के समय में पैर में जूतियां भले न रहती रही हूँ, लेकिन एक एक पाव सोना और कम से कम 2-2 किलो चांदी औरतों के शरीर पर होता था। लोग कहते थे कि यह बने का श्रृंगार है और बिगड़े का उपकार है। जब कोई काम बिगड़ जाएगा, खराब हालत हो जाएगी, लड़की की शादी करना होगा, पैसा नहीं रहेगा, बीमारी आ जाएगी, तो पैसा नहीं रहेगा तो इससे इलाज करा लेंगे, शादी कर देंगे, कोर्ट लगाम दे देंगे। ये श्रृंगार है बने का और बिगड़े का उपकार है। लेकिन अब देखो सोना चांदी तो घरों में तो मिलेगा ही नहीं, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा। वो सब पहुंच गया ठठेरों के यहाँ, और वहाँ से रुपया कागज का छपाया नोट लेकर के आए, और क्या खरीद करके लाए, टीबी की बीमारी घर घर में हो गई। और अगर वो टीबी खराब हुई, उसको बेचने जाओगे तो वो तौल के भाव, लोहा जैसे कबाड़ा लोहा होता है, तौल के भाव बिक जाता है, वो तौल के किलो के भाव में भी नहीं बिकेगा। अब आप इस बात को समझो कि जो जमाना बदल गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बहू लड़किनी पर घर लाई और राक्षों में पलक की नहीं। जैसे कोई देखो धूल गर्द आ रही हो तो ये पलक फौरन बंद हो जाती है, ठंडा हवा आ रहा हो तो पलक बंद हो जाती, आंखों में नहीं लगने देती। सूरज की तरफ ऐसे निगाह हो गई और किरणें पड़ने को हुई तो आंख ये पलक बंद हो जाती है, आंखों में नहीं लगने देती। ऐसे जब दूसरे के घर की लड़की को अपने घर में लाते थे तो उसी तरह से रखते थे, लाड प्यार से रखते थे, इज्जत के साथ रखते थे, अपनी लड़की से भी ज्यादा प्यार देते थे। लेकिन अब इस वक्त पर जब दूसरे के घर की लड़की घर में आती तो सास क्या सोचती है। 40 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब क्या था, कच्चा मकान था, कुएं से पानी भर के लाती थी, हाथ से चक्की चला करके, आटा निकाल करके, कच्चे चूल्हे पर रोटी बगैर चिमटे के सेकती, कभी उंगली भी जल जाती, लकड़ी गीली रहती, फूंकते फूंकते आंख से आंसू निकल आता था। इतनी मेहनत से मैंने रोटी बनाया खिलाया, कुएं तालाब से मोरी से पीट करके कपड़ा धो करके लाया, इनको पहनाया, जानवरों को भी देखा, बच्चों को भी देखा, संभाला। और फिर जब पढ़ाया लिखाया मेहनत करके, तब ये पढ़ी लिखी सुंदर बहू इस घर में आ पाई। अब ये आई तो ये कुछ करना ही नहीं चाहती है। अरे जितना मेहनत मैंने किया, उसका अगर ये आधा भी कर लेती तो ये घर तरक्की कर जाता, लेकिन ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती, ये तो बहुत आराम अंतर है। सुबह देखो मैं कितना जल्दी उठती और रात को सास का पैर एक घंटे दबाने के बाद देर रात से सोने जाती थी। तो अब वो वही सब सोच रही है कि ये हमारी जैसी मेहनत करे, हमारे ही जैसा काम करे। बस वो पहले तो कुछ बोलती नहीं है, अंदर 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 कोसती रहती है। बस किसी दिन वो इकट्ठा हुआ गुबार मुंह से निकलता है और तीर की तरह से जाकर के उसके जिगर में लगता है। तो कहा गया लाठी डंडा से मारो तो उतनी चोट नहीं लगती है, वो चोट जो दर्द होता है भूल जाता है, लेकिन जो बाप की मार होती है, बाप का तीर होता है, वो जब जिगर में चुभ जाता है तो उसका दर्द उसका घाव नहीं जाता है। अरे तो आप जितनी सास यहाँ पर बैठी हो, आप लोगों को सोचना चाहिए सुबह चोट जमाना नहीं रहा है, समय बदलता है, परिवर्तनशील यह संसार है। देखो इस समय पर ठंडी का महीना है, कोई मेहमान अगर आपके यहाँ आता है और गर्म पानी डाल डाल करके उसके ऊपर और खूब ठीक से उसको नहलाते हो तो बहुत खुश हो जाता है कि बढ़िया इंतजाम उन्होंने किया। पैर भी हमारा धोया गर्म पानी से, जब पहुँचे थकावट दूर किया और नहलाते समय भी गर्म ही पानी दिया। लेकिन गर्मी के महीने में जब आवे और गर्म पानी करके ऊपर से डालो तो दिल बढ़ जाएगा और कान पकड़ेगा आदमी की आंख द्वारा नहीं आना है। तो समय की बात होती है, अब वो जो जमाना पहले वाला नहीं रहा, पहले का जो जमाना और था और अब और हो गया। अब कोई चूल्हा को करके रोटी बनाना पसंद करता है, अब तो बस गैस खोले और घर से चूल्हा जल गया और बना लिया। और ऐसे ऐसे चूल्हे अब चल गए जिसमें माचिस लाइटर भी अब नहीं लगाना पड़ता, उसी में लाइटर फिट रहता, ऐसे घुमाओ और चल जाता। और बिजली के चूल्हे बटन दबाते ही चूल्हा चालू, हाथ हरा दो तो गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं, बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा, बर्तन में कालिक नहीं लगती है। बनाया और ले गए, टोटी भी हाथ से नहीं खोलना पड़ता है, उसके नल के नीचे ही ऐसे बर्तन लगा दो और ऐसे धो लो, यानी टोटी नहीं खोलना पड़ता और ऐसे हाथ धो लो, लगाते ही पानी गिरने लगता है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े आदमियों के यहाँ ऐसा नल लगा रहता है, ऐसे नल चल गए। अब कोई मुंबई से पीट के कपड़ा धोता है, गरीब से गरीब घर से, घर में भी वॉशिंग मशीन होती है, डाल देते कपड़ा उसी में, बटन दबाते हैं कपड़ा धो लिया, ऊपर आटा डाल दिया, बटन दबाते ही ऊपर गेहूँ डाल दिया और बटन दबाते ही नीचे आटा गिरने लगता है, धान डाल दिया चावल नीचे गिरने लगता है। हर चीज की तो मशीनें बन गई, तो युग बदल गया। अब ये कल युग हो गया, कल कारखानों का युग हो गया, अब कर का युग हो गया, अब हाथ से बनाया लोगों ने किया वो युग हो गया। तो अब आपको तो थोड़ा सेट करना चाहिए। चूल्हा शक्ति सब कुछ जब बहू मायके से अपने लेकर के आई तो आपको तो सोचना चाहिए कि भाई समय बदल गया। और मैंने भी अपनी लड़की को सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, मैंने भी चूल्हा चक्की और बेड और सोफा सेट जब यही से सब दिया तो अब वो हमारी लड़की भी अगर टूटी चारपाई पर ले गए तो हमको तकलीफ होगी। तो उसको देख करके आप अपनी पुरानी खटिया को क्यों याद करती हो? आपको तो सेट करना चाहिए, सेट कर लो तो ये झंझन लगा नहीं होगा। ये सास और बहू का प्रेम ऐसा हो जाएगा कि जैसे नारद का काम क्या था, झगड़ा लगाना, झगड़ा। तो एक सास और बहू में झगड़ा नहीं हो रहा था। एक गांव में नारद जी घूम रहे थे तो लड़कों ने कहा एक परिवार है, दो ही लोग हैं, लेकिन उनके मकान के अंदर से कड़क आवाज, तेज आवाज तो किसी ने सुना ही नहीं, कभी दोनों प्राणियों में झगड़ा हुआ नहीं। तो प्रभु तो आपका काम झगड़ा लगाने का है, तो आप झगड़ा लगा दो तो हम आपको मान जाए। बोले अच्छा अभी लगाता हूँ झगड़ा। बस गए गाड़ी में। अब वहाँ पर वो औरत थी, बोले तेरा आदमी बिल्कुल बेकार आदमी है, वो तो बस जब देखो तब 99 के चक्कर, 99 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, यही दौड़ने में लगा रहता है दिन रात इसी में लगा रहता है और तेरा कोई ध्यान नहीं रखता। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो हमारे पति परमेश्वर हैं और भगवान करे सबको ऐसा पति मिले, बहुत हमारा ध्यान रखते। अरे क्या ध्यान रखता है, कुछ भी खाना पीना तो सब अपनी औरत को खिलाते हैं, मर्द खाई तो जो बाजार से आता है सब ले आता है घर के लिए, छोड़ दिया रहता है। कितनी भी बार बनाओ खाओ कितना भी करो, ये तो सब लोग करते हैं। उसका दिल दिमाग खा रहा है और उसका बदन भी खा रहा है। पहले जन्म का वो नमक का व्यापारी था तो उसका असर उसके ऊपर आ गया, पूरा दिल दिमाग और बदन भी नमकीन है उसका। और तुझको ना विश्वास हो तो तू बात को चाट करके देख लेना। और इतना खाकर के नारद चले गए और उसके दिमाग में ये बोलने लगी बात कि नारद जी जब कोई चीज कह रहे हैं, जो जानकार हैं लोग कहते हैं कि ये बड़े जानकार हैं, तो जरूर इसमें कुछ असलियत होगी। तो लाओ रात को आज चाट करके देखा जाए। अब उसने ये सोच लिया। अब उस व्यापारी के पास गए, दुकान पर जब बैठाया पानी पिलाया, हाल चाल जब हो गया तब बोले कि तुम तो शेख बहुत अच्छे हो और तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा है, बड़े धार्मिक विचारधारा के हो, लेकिन तुम्हारी औरत बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखती है। अरे बोले घर की लक्ष्मी है, ध्यान नहीं रखती, इतना सेवा करती, सुबह तड़के ही उठती है, नहा धो करके बढ़िया स्वच्छ साफ और अच्छे विचार से भोजन बना करके देती है और बहुत सेवा करती, शाम को जाता हूँ बहुत सेवा करती, लक्ष्मी है लक्ष्मी घर की। अरे क्या लक्ष्मी है, कुतिया है, कुतिया है, अरे उस जन्म की कुतिया है। और वो जब तुम सो जाते हो रात को तेरा बदन चाटती है और नहीं विश्वास होगा तो आज देख लेना। और वो सोचे बाप नारद की तो जरूर कह गए, जरूर कोई बात होगी, तो चलो आज देखा जाएगा शाम को। बस खाना पीना खा करके और आंख बंद किए और उसने आवाज लगाया, बोले ही नहीं, 2-3 बार जब नहीं बोले और सोचा उसने कि सो गए, तब सोची कि लाओ देखा नारद की बात सत्य है या गलत। बस जैसे चाटी तैसे उठा चाटा कुतिया कहीं की, अब वो बोले लड़िया कहीं का, तो बोले कुतिया कहीं बजरा हो गया। और दूसरे दिन से जब नारद उधर से जाने लगे तब लड़कों ने कहा हुआ रे नारद क्या झगड़ा कराया, ऐसा झगड़ा कराया कि झगड़ा शांत ही नहीं हो रहा। आपने बहुत बढ़िया काम किया। अब एक परिवार और रह गया जो सास और बहू आज तक लड़ी नहीं, पूरे गांव में सास और बहू में टेंशन देखा गया लेकिन उनमें कोई टेंशन नहीं आया, आज तक नहीं आया। वाह ये प्रभु, आपने उनको जब लड़ा दिया तो इनको भी लड़ा दो, तो आपका तो फिर गांव नाम ही नाम रहेगा। बोले अच्छा कहाँ पर परिवार, बोले वो है। बोले अच्छा भी लड़ा। अब उन्होंने क्या किया नारद, देखा उन्होंने दिव्य दृष्टि उनकी खुली थी, इन्हीं दोनों आंखों के बीच की तीसरी आंख खुली हुई थी और उसके सहारे उन्होंने देखा कि सास नीचे खड़ी है और बहू ऊपर नशैनी पर चढ़ करके मटका अचार का उतार रही है। तो उन्होंने नारद ने अपने गांव को भेजा और कहा जा ये मटका तू ढकेल दे, और जब मटका नीचे गिरेगा बस कुत्ते की तरह दोनों लड़ने लग जाएंगे, एक दूसरे की गाली देंगे और दोनों में हाथापाई हो जाएगा, यानी गाली गलौज तो होगा ही होगा, लेकिन जब नुकसान होगा तो फिर उसी में घोसा चलेगा, या तो ढकेल के। बस वो गण गया और जैसे वैसे उठा करके उसको पकड़ाने लगी नीचे, बस गण में ढकेल दिया, मटका फूट गया, सब फैल गया। अब बहू हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मम्मा मेरे से बड़ी गलती हो गई। और साथ खड़ी हाथ जोड़े, बहू तेरे से नहीं बेटा मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं पकड़ पाई। वो कहती नहीं मैं पकड़ा नहीं पाई, वो कहती है मैं पकड़ नहीं पाई, और दोनों अपनी अपनी गलती महसूस करे। नारद खड़े आँख खोल के देख रहे, अब क्या करें, अब कौन सी विद्या कौन सा दाना कौन सा जंतर मंत्र इनके ऊपर लगाना है। जब ये दोनों अपनी अपनी गलती महसूस कर रही हैं तो लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। जब ये दोनों छोटे बन गए तो आज इनमें कोई झगड़ा नहीं लगा सकता। ये तो ऐसे ही इनका प्यार रहेगा कि जैसे कहा गया कि नानक नंगे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप खोद के खो। वैशाख जेठ के महीने में देखो बड़ी बड़ी जो घास होती है वो सब जब गर्मी पड़ती है तो जल जाती है, लेकिन ये जो दूर घास होती है जमीन में चिपकी रहती है, जिस पर से चाहे चींटी चले हाथी चले लेकिन वो खत्म नहीं होती, हरी की हरी ही रहती है क्योंकि वो छोटी है। इसी तरह से जब छोटापन आ जाएगा, जब कोई कमी दूसरे की होगी और अपनी गलती को देखोगे तब झगड़ा नहीं होगा। तो आप साथ जितनी बैठी हो आपको सोचना चाहिए इस बात को। अगर जितनी साथ बैठी है ये अंदर अंदर हमसे नाराज हो रही है, देखो हमारा पोल खोल गया तो बहुओं की क्या हालत हो गई वो भी बता दो। बहू जैसे घर में आती है बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ है, कौन सी तिजोरी में कौन सी आलमारी में रखती है, उसकी चाबी मुझे मिल जाती है, करना न कुछ पड़ता और घर की मालकिन में बन जाती है। बस वो पढ़ाई लिखाई अपना कितना है दिल दिमाग बुद्धि बस चाबी लेने के चक्कर में लगा देती है कि जिस दिन ये ससुर जी लड़ करके सास से नाराज हो करके और चाबी छीन करके मेरे सामने फेंक देंगे उसी दिन मेरी ये विद्या बुद्धि ये सब सफल हो जाएगी, मैं घर की मालकिन बन जाऊंगी। बस इसी तफात में रह जाती है वो लगी रहती है बराबर इसी में। तो चाहे कोई अनपढ़ ही सास क्यों न हो लेकिन गृहस्थी के जीवन का बड़ा अनुभव होता है, उसको बड़ी जानकारी होती है। इसीलिए लोग जब अपनी लड़की की शादी करने के लिए जाते हैं तब देखते हैं कि घर में कोई ननद सास है कि नहीं। डॉक्टर भी अपनी लड़की को पढ़ा दो, डॉक्टर बन करके लड़की जब आएगी तो वो दूसरे के बच्चे को पेट काट करके निकाल तो देगी 10, 20, 25, 50, लेकिन उसके पेट में जब बच्चे आएंगे तब उसको उसी अनपढ़ सास की जरूरत पड़ेगी और उसी से जब वो मदद लेगी तब उसका बच्चा बाहर निकलेगा। तो अनपढ़ सास को भी जीवन का बड़ा अनुभव होता है, बुजुर्गों का बहुत अनुभव होता है, जीवन का बड़ा अनुभव होता है। तो अब वो जो अनपढ़ सास है वो भी बहू की नीयत को पहचान जाती है कि बहू चाहती क्या है। तो अब वो जो सास अपने सास का वह 1 घंटे रात को दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, वो अपनी बहू से पैर दबवाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गलन दबा दे। तो देखा सारा संसार दुखी, नानक दुखिया सब संसार कहा गया, कोई सुखिया नहीं। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो आवाज को समझो कि जो लोग इस दुख के संसार से निकल गए वो फिर इसमें आने वाले नहीं। तो गुरु महाराज ने रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार कर दिया। मंच से कही हुई गुरु महाराज की एक भी बात गलत नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम साधना करो और अंतर में अगर तुमको कोई दिक्कत चढ़ाई में आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अंतर की साधना में बहुत से लोग गिर गए, नहीं आगे बढ़ पाए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर तो गोरख जी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे बच गए। तो अब जीव के लिए सीमा ही साधारण जीव की क्या औकात है कि बगैर उस मालिक की दया के सदगुरु की दया के आगे जा सकता है। लेकिन गुरु महाराज ने पार किया, अंतर से भी मदद किया, और बाहर से भी यानी गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, फायदे के लिए यानी छोड़ा। अब आप इस बात को समझो कि जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगाया और कहा कि जय गुरुदेव नाम ने इस वक्त पर कलयुग में पूरी शक्ति उसमारी की है। इस जय गुरुदेव नाम को बोल करके तुम अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो, बिगड़े काम को बना सकते हो, बीमारी तकलीफ में फायदा कर सकते हो। आप देखो बीमार आदमी 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, दवा पिला रहे, दवा फायदा नहीं कर रही। 10 बार जय गुरुदेव बोल करके दवा पिलाए और बढ़ा करके लिटा दिया, 2 घंटे के बाद देखे बुखार उतर गया। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों देखो, बच्चों जान लो। गुरु महाराज ने कहा बच्चों खूब मेहनत से पढ़ना, लेकिन परीक्षा के समय में अगर कोई सवाल भूल जाओ तो तुम जय गुरुदेव अंदर में बोलना, तो वो सवाल सब समझ में आने लगेगा। वो जो पढ़े थे कभी अभी भूल गए वो चीज याद आने लगेगी। यहाँ 40 नंबर मिलने का साथ ले लेना। कितने लोगों ने इस तरह से लाभ उठाया। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। वहाँ पर जब मधुमक्खी छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। माँ अपने बेटे को छोड़ करके भागती है, क्योंकि जो मधुमक्खियों को हटाने छुड़ाने लगता है दूसरे से, वो उसी को लग जाती है। जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा हो और उसका हाथ पकड़ करके खींचोगे तो आप नहीं खींच पाओगे, वो आपको खींच के नीचे ले जाएगा, डुबो देगा। बिजली का करंट किसी को लग गया है, अगर आपने दिमाग से काम नहीं लिया और उसका हाथ पकड़ करके उसको छुड़ाया तो आपको भी वो करंट खींच लेगा। जूता चप्पल कोई लकड़ी या प्लास्टिक जब उसके यानी तार के ऊपर मारोगे, हाथ के ऊपर मारोगे, जब वो तार छूटेगा तब उसकी जान छूटेगी। ऐसे नहीं, उसी तरह से जब मधुमक्खियाँ छेदने लगी बगल का भी आदमी छोड़ करके भग गया और गुहार लगाया, चिल्लाया बचाओ बचाओ। गांव के आसपास के लोग दौड़ करके आए बचाने के लिए, लेकिन जब देखा मधुमक्खी लगी हुई है तो वो खुद वापस जब लौट पड़े तब उसको प्रचारक की बात याद आई कि प्रचारक लोग आए थे बाबा जी के और उन्होंने कहा था कि मुसीबत के समय, तकलीफ के समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो तुम्हारी जान की रक्षा हो जाएगी। तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। जब जय गुरुदेव बोला तो बस ऐसे हवा चली और भूमि ऐसे जैसे चक्रवात जिसको कहते हो बौंडर, उसी तरह से हवा भूमि और धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में धूल कड़ी। बस छोड़ करके भाग गए। मधुमक्खी धूल से और धुएं से भाग जाती है, वो आंखों में उनके बर्दाश्त नहीं हो पाता है। पानी में नहाने के लिए गया था, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव जब बोला तो वह पानी की तेज हिलोर आई, खल ले जाकर के किनारे लगा दिया नदी के। आप विश्वास को समझो कि गया फौज में भर्ती होने के लिए और सीना छोटा हो गया। अब गया किनारे, उधर खड़ा होकर के जय गुरुदेव बोलने लगा। याद किया गुरु महाराज को, बस उसके आंखों में ताकत आई और आंखों में जब गुरु की ताकत और गुरु की दया आई और उसके नापने वाले की आंखों में पड़ी, तब जब उसने देखा तब कहा क्यों खड़ा है, या तो दूध भी खूब खाना, बारी बनाना, दोबारा भर्ती होगी तब आना, अब क्यों खड़ा है, तेरा सीना छोटा पड़ गया। फिर कुछ नहीं बोला, ऐसे आंखों में उसके देखता रहा। अब देखो आंखों से आंखों में कैसे दया जाती है, उसी तरह से दया जैसे राम की आंखों में जो स्वामित्र की दया गई थी और वो धनुष को उठाए भी नहीं और दृष्टि उनके पड़ते ही धनुष टूट गया, सुवत उठावत खंचत गाड़े, उसी तरह से आंखों में दया जब पहुंची, गुरु की दया जब पहुंची तो नापने वाले ने कहा क्या कहना चाहता है, बोल कुछ कहना चाहता है। हाँ कहना चाहता हूँ, बोल 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 क्या कहना चाहता है। उसने कहा एक बार मुझको फिर से नाप लिया जाए। अब देखो दया इसी को कहते हैं। बोला ठीक है चल, उधर खड़ा रहा, इनको नाप लेंगे फिर नापेंगे तेरे को। जब सब लोगों को नाप लिया और उसको कहा अच्छा चला दिखा दें तेरा सीना छोटा है, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। जब दोबारा नापा बिल्कुल सही निकला है और वो फीता के पीछे कर रहा है जो पहले गलती हुई थी कि अब हो गई है। दोबारा जब फिर नापा बस वो के कागज पर लिख दिया और कागजा तौल करा दिया। जब तौल कराने के लिए गया और उसका तौल कम हो गया तब तक बस यही हुआ चलो 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 खाली करो जल्दी करो जल्दी करो अब समय हो गया अब कोई तौल नहीं होगा चलो आर्डर हो गया साहब का या कोई तौल नहीं होगा जल्दी करो। बस वो अपना कागज उठाया और देखा कहा अब तो वजन भी कम हो गया लेकिन चलो हमारी पेशों पर गई उस पर उसने कैंसिल नहीं किया कुछ लिखा नहीं तो चलो अकेला आएंगे कल देखेंगे। और यही सोच करता रहा कि जब आज कम हो गया वजन तो रात भर में कैसे बढ़ेगा कैसे 1 किलो वजन बढ़ जाएगा और जब आज कम हो गया। लेकिन यही कहता रहा कि जयगुरुदेव पर बड़ा भरोसा और गुरु पर बड़ा भरोसा लोगों को बड़ा भरोसा रहा। वो खोए बाचार पंग चढ़ गिरवर महान अन्य पूरा बोलने लगता है और अपंग पहाड़ पर चढ़ जाता है। मालिक की दया तब किसके ऊपर हो जाए कुछ काम नहीं जा सकता। और गुरु को याद करता रहा धर्मशाले में ठहरा था रास्ते में गया पुलिया के ऊपर बैठ गया और यही सोचने लगा नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा अरे 3 ही बीघा जमीन है माँ विधवा है भाई छोटा है कैसे गुजर बसर होगा क्या होगा। इसलिए या मालिक या गुरु महाराज जय गुरुदेव बोलता रहा और कहता रहा आप दया कर दो अब की बार खड़क हो जाऊं दया कर दो। तब तक आया एक बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों बैठे हो कहाँ से आए हो सब बात बता दिया। अब उस बुद्धे ने कहा देख धर्मशाले में जहाँ तू ठहरा है वहाँ से कल सुबह जब चलना और तौल कराने के लिए जाना तो 1-1.5 दर्जन केला खरीद लेना और 1-1 केला खाते हुए चले जाना और जब तुझको तौल कराने को होगा तो भर पेट पानी पी लेना और उसके बाद तौल करा लेना। इतना कह करके वो चला गया। आज उसने दूसरे दिन ऐसा ही किया केला खरीदा 1-1 केला खाता हुआ गया और जब नंबर इसका आया तौल कराने का तो भर पेट पानी पिया और गया तौल कराया बिल्कुल सही निकल गया। नौकरी किया अब भी फौज में नौकरी किया कोई जानना पूछना चाहोगे पता बता दूंगा और जाकर के मालूम कर लेना। झूठ बोलने का हमको आदत नहीं है और जोड़ एरिया भी नहीं बोला जाता कि वो बात खुल जाती है। आपको यह अंदाजा हो जाए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है तो उसकी बात को सुन लो 2 घंटे के बाद फिर पूछो उसी बात को तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। और 2 महीना बाद पूछोगे तो जो सही बात है वही याद रहेगी और जो झूठ बोला था उसको भूल जाता है और फिर मालूम हो जाता है कि इतना इसने झूठ बोला तो झूठ भूल जाता है और सही बात हमेशा याद रहती है। 10 साल के बाद भी पूछो तो वही बात याद रहेगी लेकिन झूठ तो 2 दिन के बाद भी हो जाता है कम हो जाता है उसमें फर्क हो जाता है। तो आप इस बात को समझो कि जयगुरुदेव नाम गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब पीड़ा होगी जब दर्द होगा और जयगुरुदेव नाम तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। एक ही समय पर एक आदमी बोला 1000 1 लाख बोले लेकिन सबको गुरु महाराज ने मौत के समय नहीं दे लोग बता करके गए। किसी ने कहा उनकी बाबा जी की गोदी में हूँ किसी ने कहा हमारे बगल खड़े हैं किसी ने कहा यमराज के दूत बाबा जी को देखते ही हट गए। तो इस तरह से गुरु महाराज ने बाहर से भी मदद किया और अंतर से भी मदद किया। गुरु महाराज तो दुनिया संसार से चले गए लेकिन उनकी शक्ति और उनकी ताकत प्रेमियों आपके साथ में है। अब यह है कि जैसे प्यासे जैसे कुएं के पास जाने पर ही प्यास बुझती है नदी के पास पहुंचने में ही पानी मिलता है आपके पास पहुंचने में गर्मी का अनुभव होता है बर्फ के ऊपर हाथ रखने से ठंडी का पता चलता है। ऐसे ही जब आप ध्यान लगाओगे जब आप भजन करोगे जो दया का स्रोत है तब दया का आपको अनुभव होगा ऐसे दूर दूर से नहीं। और ऐसे अगर आप ध्यान भजन नहीं करोगे तो आप भूल और भ्रम में पड़ जाओगे। जब लोग कहेंगे आकर के कि बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा और मैं सतयुग रहूंगा तो ये महापुरुष की बात है संत वचन पलटे नहीं बलर जाए रहमान यह बात कैसे पलट सकती है, कैसे हो सकता है कि बाबा जी बगैर शक्ति लाए हुए ही चले जाएं। इसलिए बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी आएंगे और बाबा जी इसके बाद चलो, तब आपको शंका हो जाएगी, आपको भ्रम हो जाएगा। गुरु महाराज ने तो ये कहा था कि सतयुग में लाऊंगा, तो सतयुग तो वो लाएंगे। यह नहीं कहा था कि इस शरीर से सतयुग लाऊंगा, उनका संकल्प था सतयुग लाने का, तो सतयुग तो आएगा। अब अगर कल सतयुग को ला दिया जाए तो इतने लोग आप बैठे हो, आप अपने दिल पर हाथ रख करके अपने से ही पूछो कि सतयुग देखने के लायक आप हो? क्योंकि सतयुग में तो कोई झूठ बोलने वाला नहीं, कोई चोरी रफ्तार करने वाला नहीं, किसी की नीयत खराब होने वाला नहीं। सतयुग योगी सब विज्ञानी और यह ध्यान करने उपरानी सब योगी थे, विज्ञानी थे, योगी थे। अब आप योग करते हो, सुरत सब योग की साधना जो गुरु महाराज ने बताया क्या आप करते हो? अरे भाई आप सत्य भी बोलते हो, आप सेवा भी करते हो, परोपकार भी करते हो, दरवाजे पर कोई भूखा भूखा आ गया रोटी खिला देते हो, कोई प्यासा आ गया पानी पिला देते हो, कोई बीमार है दवा करा देते हो, कपड़ा नहीं कपड़ा दे देते हो, लड़का भी क्या कह रहा हमें मदद कर देते हो गरीब का। सब काम आप अच्छा करते हो दुनिया का, लेकिन आप योग करते हो, साधना करते हो जो योगी और विज्ञानी होना चाहिए, और अगर नहीं तो आप कैसे रह सकते हो? इतने आदमी बैठे हो, मान लो इसमें 2 4 5 आप करते हो साधना और आपकी जीवात्मा ऊपरी लोगों में जाती है, तो आपको अगर पूरे भीड़ जिला को दे दिया जाए और कहा जाए कि पूरा जिला आपका है और धन संपत्ति सब आपकी है और ये जितने मकान आपके हैं, तो आप यानी उसमें किसमें रहोगे? ये कह दिया जाए आदमी एक नहीं रहेंगे, बस आप रहोगे। तो सतयुग का आनंद पाओगे? सतयुग में तो आदमियों की जरूरत है, व्यवस्था बढ़िया जरूरत है। बच्चे औरत जब चले जाते हैं ननिहाल में, मायके औरत चली जाती है तो अकेले आदमी को घर में दिल नहीं लगता, तीसरे दिन वो भी वहीं पहुंच जाता है। तो जब अकेले आप रह जाओगे तो क्या सतयुग का आनंद पाओगे? इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाया जा रहा है, सतयुग में लोग रह जाए, कलयुग अपने साथ इनको रगड़ता मारता काटता हुआ न ले जाए, इसके योग्य लोगों को बनाया जाना समय पर आ जाएगा। देखो गुरु महाराज महापुरुष थे, गुरु महाराज में उस मालिक की पूरी शक्ति थी, सब पुरुष के आलसी और संतन की ही दें और लखना चाहो अलग हो तो इन्हीं में लख ले कहा गया, तो पूरी पावर उस मालिक की गुरु महाराज में थी। अब गुरु महाराज वो ताकत हमको दे दें, हम ला दें, आपको दे दें आप ला दो, किसी जानवर के अंदर वो ताकत आ जाए और वो ला दे। ये वो भारत भूमि है जहाँ पर 12 अवतार हुआ था, जहाँ पर शूकर अवतार हुआ था, जहाँ खम्भ उखाड़ करके निकल करके भक्त की रक्षा किए थे। ये तो वो भूमि है, ये वो देश है, तो यहाँ तक किसको क्या ताकत मिल जाए? मोटी बात आप ये समझो कि गुरु हनुमान का शरीर नहीं होती, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। आप देखो वो शक्ति जब आई गुरु गोविंद सिंह में आई, एक बहादुर में आई, अर्जुन सिंह में आई, तमाम लोगों में 10 गुरु जो उनके हुए उनमें आई, कबीर में ताकत आई, गोस्वामी में आई, पंडू नानक दादू मीरा में वो ताकत आई। तब ताकत आई तब उन्होंने कुछ काम किया और कुछ उन्होंने करिश्मा दिखाया। जब ताकत वो आई तब सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया, अनसुया ने छोटा छोटा बच्चा बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो वो एक ताकत होती है, वो एक शक्ति होती है। जब शरीर छोड़ करके वो चले जाते हैं तो ताकत तो वो उनकी यहाँ रहती है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? सब लोग जहाँ से ये सारी जीवात्माएं नीचे आई हुई हैं, लेकिन वो अपने अपनाए हुए जीवों को लेने के लिए गुरु पर जहाँ पर जब नामदान लेते हैं देते हैं तो सूरज की डोर को पकड़ करके बांध देते हैं, वहाँ तक सतलोक से बराबर आते रहते हैं अपने जीवों की संभाल के लिए, उनको घर ले जाने के लिए। जब उनके जीवों का जाना ऊपर बंद हो जाता है तब वो नीचे आना बंद कर देते हैं, नहीं तो बराबर आते रहते हैं। तो वो पावर है, वो एक शक्ति है, शक्ति गुरु महाराज की बराबर है। शरीर तो नहीं है और न उस शरीर में अब गुरु महाराज फिर आएंगे। देखो इस धरती का ये विधान है, इस मृत्यु लोक का ये नियम है कि जो एक बार मनुष्य शरीर में आया फिर वो शरीर में दोबारा नहीं आता है शरीर छोड़ने के बाद। तो गुरु महाराज कहाँ से वो शरीर में आ जाएंगे? हाँ, यह है कि भूल और भ्रम हो गया, रास्ते में जा रहे हो और रस्सी कहीं पड़ी हुई है रात में, आपने देखा तो भ्रम हो गया कि ये सांप है, तो उसका पिछला हिस्सा पूछ दिखाई पड़ता है, अगला हिस्सा मुंह दिखाई पड़ता है, कोई मिट्टी की ढेर लगी हुई है और आप को ढेर में जा रहे हो और भ्रम हो गया कि आदमी बैठा हुआ है, तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ती है, कपड़े हाथ पर सब दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब श्वास जला देते हो तब कहते हो अरे ये तो भ्रम हो गया है, ये तो मिट्टी की ढेर है, ये तो रस्सी है। ऐसे जब तक इन बाहरी आंखों से चीजों को देखते हो, जब आंख बंद करते हो अंधेरा रहता है, ऐसे ही यानी जब तक अंधेरा रहता है तब तक ये भूल और भ्रम रहता है। आंख बंद करो, अंदर में उजाला हो गया, गुरु महाराज सामने, तो आप पूछ लो सब बता देंगे, सब आपको बगैर बताए बगैर पूछे भी बताएंगे। आप बहुत से लोग गुरु महाराज के पास जाते थे और अपनी बात भी नहीं कहना पाते थे भीड़ भाड़ में, लेकिन गुरु महाराज जैसे बैठ के ही ऐसे बुला करके और उसका जवाब दे देते थे। कहा गया संत न देखें चाल पुचाल और वो परखें अंतर कहा, अंतर का हाल फर्क करके और जवाब दे दिया करते थे। तो जब उस समय जवाब दे देते थे तो हम इस समय भी बगैर देखे बगैर पूछे हुए भी जवाब दे देंगे और बहुत लोगों को दे रहे हैं। बहुत लोगों को जो बहुत दुखी थे गुरु महाराज के जाने के बाद, सिर्फ पीट करते होते थे, उन्होंने साधना किया, उनको गुरु महाराज ने धाम बताया, बड़ा बताया और सब दिखाया जलवा, नहीं सपने में जलवा दिखा दिया, लेकिन अपने बाप के मरने में, अपने पति पत्नी के मरने में जितना आदमी चिल्लाया उसका आधा भी अगर दुखी हुआ तो गुरु महाराज ने अंदर में जलवा दिखा दिया, अंदर में बता दिया। तो आप अंदर में देखोगे समझ में आ जाए, और नहीं तो ऐसे किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया और कान न देखो कौवा के पीछे दौड़ो, तो समय बेकार जाता है, बेकार गया समय लोगों का, जो लोगों के कहने में आ गए। अरे बोले चलो शाहजहां को चलो, लखीमपुर चलो, चलो वहाँ सीतापुर में बाबा जी प्रकट हो रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। अब गुरु से मिलने की किसकी नहीं इच्छा? जिनकी नजरों में देखते ही तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, वो नजर में नजर मिलते ही खुश हो जाते थे। चलो भाई देखा जाए एक बार, नजर से नजर मिल जाती, वही दया मिल जाए जो पहले मिलती थी। और वह करके वहाँ पर पहुँचा, तब लोगों ने कहा देखो आज नहीं मिलेंगे, मिलेंगे पहली तारीख को। और पहली तारीख को जब पहुँचा तब बोले देखो भाई आज तो नहीं मिलेंगे, पूर्णिमा को निकलेंगे और 10, 20, 25 जितने भी लोगों को चाहो लेकर के आ जाओ, उसी दिन दर्शन करा हुआ है, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ। अब आया वो यहाँ प्रचारक और इसी बात का प्रचार करने लग गया। अब वो भूल गया कि गुरु महाराज के शाकाहारी का प्रचार भी करना है और इसी बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि बाबा जी प्रकट हो रहे हैं, वहाँ पर पूर्णिमा को निकलेंगे, मैं तो जगह भी देख आया हूँ, बस चलो तुमको अभी दर्शन करा दूंगा, पक्की बात बताता हूँ। और लोगों ने सोचा भाई इतना पुराना प्रचारक है और देखो टांगी पहन लिया इसने, और गुरु के वचनों को इसने जब सुनाया और हम लोग भी गुरु के पास पहुँचे और हमको भी फायदा हुआ, धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी मिली, मानसिक शांति भी मिली, बिगड़े काम भी हमारे बने, तो अब चलो इसके कहने से एक बार चलते हैं, देखाते हैं क्या सच है क्या नहीं सच है। आप जब वो गए 10, 20, 25 आदमी और वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने कहा देखो भाई कानूनी अड़चन आ गई, अब तो मुकदमाबाजी भी करनी पड़ सकती है, इसलिए रुपया इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो और आदमी इकट्ठा करो, जरूरत पड़ेगी तो झंडा डंडा लेकर के चलना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा, अब आज तो नहीं निकल सकते बाबा जी। अब आ रहे थके, कोई पानी तक नहीं पूछा, खाने के बाद तो छोड़ दो। जब लौटे वापस तो आज आप देखो अगर 4 घंटे 3 घंटे खाना मिलने में देर हो जाती है तो गुस्सा आता है, भूख से तो थाली कटोरी फेंकने लगते हो, अब वो जब खाने को नहीं मिला तो सब उसी के ऊपर बरस पड़े, तरह तरह की बातें उसके कहने लग गए। लेकिन उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग वकील डॉक्टर भी चले गए कि चलो भाई देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, समय निकाल लेते हैं। उन लोगों ने जब उनको झपटा, कहा इसकी क्या गलती है, तुमको भी तो देखना समझना चाहिए। जब इसके कहने पर चले आए तो बेचारे के ऊपर क्यों बरस रहे। अब जब लोग सब शांत हुए तब उसको समझाया, कहा देख इनकी नियत जो ये लोग बुलाए थे इनकी अच्छी नहीं लग रही है, इनकी बोली बानी, चेहरा मोहरा और इनका उठना बैठना, बात का तौर तरीका ये अच्छा नहीं है। ये सब हैं स्वार्थी और ये अभी आज तो तेरे से पैसा इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, आदमी बनाने के लिए कह रहे हैं, और जब इलेक्शन आएगा सब कहेंगे हमको एमएलए बना दो, हमको एमपी बना दो। जब हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहाँ आवाज लगाएंगे तब बाबा जी निकलेंगे, अरे तू मूर्ख इनके चक्कर में कहाँ पड़ गया, अरे तू ध्यान भजन करता, साधना करता तो तेरे समझ में सब आ जाता। अरे मैंने तो ध्यान भजन में तो कर नहीं पाया, मेरा तो आँख कान खुला नहीं, लेकिन बाबा जी का दर्शन किया कई बार और सत्संग भी सुना, तो इतना तो मेरे समझ में आ रहा है कि भाई ध्यान भजन से सब बात बनती है, तो तू ध्यान भजन में लग जा मेरे कहने से। अब आया जब ध्यान भजन करने लग गया तो मन उसका जो भक्ता था स्थिर हुआ। सत्संग में जब आया और सत्संग सुना तो आपको बता रहा हूँ, झारखंड में एक आदमी आया और रोने लगा और कहा सब शंका खत्म हो गई, सब दिमाग से खुरापात सब निकल गई, कुछ नहीं रह गया। एक दो आदमी ऐसे भी मिले जो बोले मेरे से गलती हो गई और आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गाली दिया। अरे हमने कहा भाई गाली तो तुमने दिया लेकिन मुझे लगी कहाँ, मुझे तो कहीं गोली तो तुम्हारी लगी नहीं, गोली तो मारा नहीं तुमने, तुमने तो गाली ही दिया। मेरे जेब में भी गाली नहीं, मेरे टैंक में भी गाली नहीं, तेरी गाली कहाँ गई, तूने गाली तो दिया। अरे तू लग जा गुरु के आदेश के पालन में, और वो सब लोग उसी में लग गए और सब लग गए। तो कहा अगर सुबह का भूला और शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। लेकिन कुछ लोग हैं स्वार्थी, स्वार्थी जानते हैं, स्वार्थी को सौ बेवकूफ की कहते अकल होती है, और स्वार्थी एक तरफ अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो तो उनको अपनी पत्नी को भी, बच्चे को भी, भाई को भी, बाप को भी धोखा दे देता है स्वार्थी आदमी। अब स्वार्थी कैसे ना माना जाए इन लोगों को जो ये अभियान चला रहे हैं कि बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी आएंगे सब लोग लाएंगे और बाबा जी ने कहा था हम 400 साल जिंदा रहेंगे, ये तो नहीं कहा था बाबा जी, बाबा जी ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो हम 400 साल तक रहेंगे। उनकी क्या जरूरत, उनकी ये जरूरत आवश्यक था कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो काम और तुमको घर पहुँचाना, एक हमारो काम, तुमको हम तुम्हारे घर पहुँचाएं। आप 400 साल अगर लगेगा उनके अपनाए जीवों को यहाँ से जाने में तो आएंगे, 100-150 साल में काम हो गया, फिर उनको आने की क्या जरूरत है। लेकिन अब वो इस बात को कह रहे हैं, वो कौन है स्वार्थी, कैसे नहीं स्वार्थी माना जाए। गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो जिन लोगों ने गुरु महाराज को नहलाया धुलाया कपड़ा में लपेट करके और ले जा करके अग्नि को समर्पित किया, सीता पर रख करके जलाया, अपनी आंखों से जलते हुए देखा, वही लोग कह रहे हैं गुरु महाराज जिंदा हैं, तो स्वार्थी नहीं और क्या है, स्वार्थी हैं। अब वो अपने स्वार्थी लोगों की टीम बना लेते हैं जो ये ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे या कुछ इस तरह का सम्मान हो, वो इसी तरह से बेवकूफी करते हैं। कहा गया ना कि कौवा पक्षियों में सबसे यानी ज्यादा बुद्धिमान होता है, कौवा को तरह साल से इशारा करो उड़ जाता है कि हम मारे न जाए, इतना चालाक होता है। लेकिन सुबह होकर के कौवा क्या करता है मालूम है, क्या खाता है कौवा सुबह उठ करके, रब को मालूम है। तो अब वो दूसरे ऐसे बुद्धिजीवी को खोजते हैं, और एक आया तो कहा देखो मैंने देखा बिल्कुल उसी तरह से बैठे हुए थे जैसे गुरु महाराज बैठते थे, ऐसे ही बाली उनकी शरीर और कपड़ा भी उसी तरह का और बोली तो बिल्कुल उसी तरह की। अब दूसरा आया तो पूछा भाई तुमने देखा, देखा बोली उसी तरह की, बॉडी उसी तरह की, चेहरे में थोड़ा फर्क है और चेहरा भी उतर ही रहा है उसी तरह का, और कुछ दिन में वही चेहरा उतर आएगा, उसी तरह के हो जाएंगे। और ऐसे बोलते देव राजा के दरबार में तो पहुंचे तो बोले कि हमको रख लिया जाए, हम बड़े काम के आदमी। राजा ने कहा कौन से काम के आदमी हो? अरे बोले हम मौके पर काम आप के आएंगे, अच्छी तनख्वाह दिया जाए, रहने का इंतजाम कर दिया जाए। राजा ने पूछा आपको कुछ बताएगा ऐसे रख लिया जाए? बोल कुछ बताएगा नहीं तो कैसे रखा जाएगा? तो एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। राजा ने कहा झूठे को नहीं रखना है, हट जा। दूसरे से पूछा तो उसको क्यों रखा जाए? बोला मैं झूठ को सच करता हूँ। बोले तुझको भी नहीं रखना है। तो मंत्री ने कहा सरकार देख लिया जाए, ये दोनों विरोधाभासी हैं, तो देख लिया जाए मार लिया जाए। तो मंत्री ने कहा कि झूठ बोल। बोला हजूर राजस्थान में ऊँट जा रहे थे, ऊँट काफिला हुआ जा रहा था और पानी बरसा, सब ऊँट जल करके मर गए। राजा ने कहा कैसे हो सकता है, पानी बरसने से आग बुझेगी, कोई घी दौड़ो बरसा, कैसे ऊँट जल के मर जाएंगे? तो मंत्री ने कहा सच करने वाले से तू सच करेगा? हाँ बिल्कुल सर। अब देखो कैसे अकल लगाया उसने, बुद्धि लगाया, और झूठ को कैसे सच करता है अकल लगा करके बुद्धि से। तो उसने कहा सर सरकार ऊँट के ऊपर चूना लगा हुआ था, चूना, और ऊपर से जब पानी बरसा तो चूना गर्म हुआ और उसकी गर्मी से सब ऊँट जल के मर गए। चूने के ऊपर पानी पड़ जाए गर्म हो जाए। अब देखो कैसे झूठ को सच कर दिया। ऐसे झूठ करने वाले ऐसे आ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग फंस जाते हैं। एक आदमी की कर गई नाक, दूसरे ने पूछा तुम्हारी नाक कैसे कर गई? बोले नाक कर नहीं गई, मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? नाक जैसी थी तुमने कटवा लिया भैया।